यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो क्लिप है मैं आपको सुबह के वीडियो में एडिट करके बता दूंगा, क्योंकि अभी मौसम के बारे में पूछ रहा है। अभी वहाँ पे मौसम कैसा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अभी तो मौसम क्लियर है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है 1 तक। ये आप देख सकते हो स्नो हुआ 1 फीट तक यहाँ पे। एंड ये रहा वर्कशॉप, कितना गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ा है। सो आप मिलते हैं जी सुबह के टाइम, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं जी, सुबह के क्लिप में एड कर देगा, फिर एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। सेम प्लेस एज डेट, ये रहा वर्कशॉप। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग टाइम डायरेक्ट हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर की, यहाँ पे -4 से -8 तक, इसी तरह से -12 द्रास जोजिला पास एरिया में, एंड इस तरह से कनगेर में -1। थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, जिस हिसाब से लोकेशन है उस हिसाब से टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे वेदर कंडीशन की, देख सकते हो आज क्लाउडी दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो तो क्लाउडी है मौसम। बात करते जी कल दिन से फिर से स्नोफॉल होने के ज़्यादा चांसेस, 100% तक प्रेडिक्शन दिखा रहा है कल और परसों यानी 2 दिन, उसके बाद फिर से क्लाउडी छाया रहेगा आसमान पर। लेकिन फिलहाल 2 दिन की अगर हम बात, लेकिन हम सोनामार्ग जोजिला एरिया में अगर बात करें 2 दिन तक कंटिन्यू स्नोफॉल होने के ज़्यादा चांसेस कल दिन से। तो इतने अपडेट दोस्तों आप लोगों के लिए, बाकी आपसे मुलाकात होगी फिर से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।